टू में कार्तिक के साथ अक्षय कुमार भी नजर आएंगे क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें कब ये फिल्म रिलीज होगी हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में हूं सोनिका जियाल हाल ही में खबर आई थी दोस्तों कि 2007 में जो रिलीज हुई थी फिल्म भूल भुलैया उसका सीक्वल बनने जा रहा है और इतनी पसंद भूल भुलैया हमें आई थी इतना गुदगुदाया था इस फिल्म ने कि तभी से इंतज़ार था कि यार इसका सीक्वल तो बनना ही चाहिए लेकिन जब खबरें आई तो इसके साथ ये भी खबर आई कि अक्षय कुमार नहीं होंगे इस फिल्म में कार्तिक आर्यन होंगे और अक्षय कुमार के जो फैंस थे वो बेहद नाराज़ थे क्योंकि उनका मानना था कि अक्षय ही भूल भुलैया में होने चाहिए इसके सीक्वल में और वही इस फिल्म को सुपर डुपर हिट करा सकते हैं लेकिन अब क्या कर सकते हैं कार्तिक को ही इसके लिए चुना गया फिल्म सोनू की टुटू की स्वीटी और लोका छुपी जैसी फिल्मों की सफलता के बाद कार्तिक आर्यन की ब्रांड वैल्यू काफ़ी बढ़ गई यही कारण है कि उनके पास फिलहाल कई ऑफर्स हैं। वो बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं अब भूल भुलैया टू में भी वो नजर आएंगे लेकिन एक खुशखबरी सामने आई है इस फिल्म में आपको अक्षय कुमार की भी एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगी और जिस फिल्म में अक्षय कुमार होते हैं वो मज़ेदार हो ही जाती है अक्षय की फिल्म भूल भुलैया टू का निर्माण भूषण कुमार के बैनर तले हो रहा है अक्षय कुमार ने जब से गुलशन कुमार की बायोपिक मोगल में काम करने का ऑफर ठुकराया है तभी से दोनों के बीच संबंध कुछ खास नहीं चल रहे साल 2007 में रिलीज़ हुई फिल्म भूल भुलैया उन्नीस में रिलीज हुई मलयालम फिल्म का रीमेक है ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसमें हॉरर था कॉमेडी थी इस फिल्म में अक्षय मेन लीड में, में नजर आए थे और शाइनी आहजा विद्या बालन और अमीशा पटेल भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म के सीक्वल को लेकर अक्षय और कार्तिक काफ़ी उत्साहित हैं बुलबुलैया टू के बारे में बात करते हुए अनीस बजमी ने कहा कि यूथ बेस्ड कॉमेडी फिल्मों के बाद वो हॉरर फिल्मों में ट्राई करना चाहते हैं हॉरर कॉमेडी करना चाहते हैं वो अगले कुछ महीने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को तैयार करेंगे अनीस बज्वी ने हाल ही में मल्टी स्टार फिल्म पागल पंथी की शूटिंग भी ख़त्म की थी मतलब उनकी रिलीज़ हुई थी पागल पंथी इस फिल्म में जॉन अर्शद वारसी अनिल कपूर एलियाना डिक्रूज नज़र आए थे और अनीस बजवी कमाल के डायरेक्ट कैम्पुल बुलेट टू को भी वो अच्छे से ही डायरेक्ट करेंगे इस फिल्म की रिलीज़ की बात करें तो इस साल के एंड तक इस फिल्म की शूटिंग